खबर आपको बता दें सोनीपत से, जहां पर कि नवजात का शव मिला है और इसी वजह से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। राडधना रोड पर आपको बता दें कि लाल कपड़े में लिपटा हुआ यह भ्रूण मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस ने नवजात के शव को कब्जे में ले लिया है। लिपटा हुआ यह भ्रूण मिला है, तस्वीरें आपके सामने हैं और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। नवजात के शव को कब्जे में ले लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस की तरफ से खंगालने की कोशिश की जा रही है कि कोई सुराग मिले, आखिरकार किसने यहां पर इस बच्चे को फेंका है या फिर कोई छोड़ के गया है, क्योंकि भ्रूण मिला है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रीमेच्योर बच्चा था ये, और फिलहाल पुलिस की तरफ से तफ्तीश की जा रही है। तो सोनीपत में आपको बता दें कि यह नवजात का शव मिला है और क्षेत्र में सनसनी फैली। जब लोगों ने देखा तो फिर पुलिस को सूचना दी गई। राडधना रोड पर लाल कपड़े में लिपटा हुआ यह भ्रूण मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस अपनी तरफ से तफ्तीश कर रही है। लाजपत हमारे साथ जुड़ गया, हमारे संवाददाता। लाजपत, क्या कुछ अपडेट है पुलिस की तरफ से, क्या कुछ कहा जा रहा है अभी? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस प्रशासन का पूरा प्रयास है कि आखिर कलयुग की मां को ढूंढा जाए, क्योंकि कलयुग की मां इसलिए कहेंगे कि बच्चे का शव मिलना और भ्रूण मिलना तो काफी बड़ी बात है, क्योंकि आज कलयुग में बच्चे का जो भ्रूण मिलना और काफी बड़ी बात, क्योंकि लगातार जैसे शासन और प्रशासन की बड़ी जिम्मेवारी है और काफी ऐसे विभाग है जिन पर जो गर्भवती महिला होती है उन पर ध्यान रखा जाता है, लेकिन जब एक बच्चे का भ्रूण मिला है तो अभी टीम बना दी गई है और गठित करके प्रयास है कि कलयुग की मां को ढूंढा जाए। जी बिल्कुल। और ये जो बच्चे का शव मिला है नवजात का, ये पता कैसे चला? स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी या फिर कोई और तरीके से पुलिस तक ये सूचना पहुंची? जी बिल्कुल, जब ये भ्रूण जो है लाल कपड़े के अंदर मिला और बच्चे जो आसपास के बच्चे जो सुबह खेलने के लिए निकले तो उनको एक लाल कपड़ा दिखाई दिया जिसके आसपास जो बच्चे इकट्ठे हुए और बच्चों को देखकर एक राग जो चलता हुआ व्यक्ति था जिसने पुलिस प्रशासन को बताया, तो उसके बाद टीम पहुंची और जब छानबीन की तो उसमें बच्चे का भ्रूण मिला। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका लाजपत इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अब पुलिस की तरफ से ये तफ्तीश की जा रही है कि आखिरकार ये यहाँ पर नवजात का शव